हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन एप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डॉल्फिन एप्लायंस कंपनी में हमने बहुत सारे वीडियोस डाले जो गर्मियों के प्रोडक्ट थे, सोडा मशीन, आइसक्रीम मशीन, शुगर कैन मशीन, जो समर में चलने वाले बिजनेस आइडिया डाले। तो आज डॉल्फिन एप्लायंस कंपनी लेके आए दोस्तों बारिश और ठंडियों के मौसम में धूम मचाने वाला बिजनेस। दोस्तों, 1 से 1.5 रुपए में प्रोडक्ट पड़ेगी बाजार में, 10 रुपए बेच सकते हो बिना अनुभव के, बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के। कोई भी नया आदमी, कोई भी छोटा बच्चा है, प्रोडक्ट को आसानी से चला सकता है। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे, प्रोडक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, हम इसको अनबॉक्स करेंगे, उसमें से क्या मशीन निकलने वाला है, मशीन का क्या-क्या प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। इतनी छोटी सी मशीन से आप 4 अलग-अलग तरह का प्रोडक्ट बना सकते हो दोस्तों, 4 अलग-अलग फ्लेवर या 4 अलग-अलग तरह का प्रोडक्ट ये मशीन के अंदर से बना सकते हो। ये मशीन को चलाने के लिए खाली आपको सिर्फ एक बॉक्स चाहिए और एक पानी का बोतल चाहिए, दो ही चीज आपको ये प्रोडक्ट चलेगी। और ये प्रोडक्ट जो निकलने वाला है वो हर एक जगह, हर एक एरिया पे, हर एक जगह पे ये प्रोडक्ट चलने वाला है, और सब जगह आपके वहां, आपके एरिया में सब जगह प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं आधुनिक बिजनेस आइडिया, इसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको ये प्रोडक्ट की ना जानकारी, नॉलेज मिलेगी, और मशीन की प्राइस और कीमत क्या है वीडियो के अंत में इसकी डिटेल्स आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, थैंक यू। मशीन को यहाँ पे हम अनबॉक्स करेंगे, इसको मशीन को हमने अनबॉक्स कर दिया है, उसके बाद हम इसको काउंटर के ऊपर रख देंगे। यहाँ पे काउंटर के ऊपर हमने लगा दिया मशीन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मशीन 4 फ्लेवर की मशीन है, 4 अलग-अलग तरह की वैरायटी बना सकते हो। ये मशीन क्या है, ये मशीन है ऑटोमेटिक आधुनिक चाय कॉफी टमाटो सूप, ग्रीन टी, लेमन टी, मंचाओ सूप, ऐसा अलग अलग तरह का 4 वेरायटी आप निकाल सकते हो। 1, 2, 3, 4 एक ही समय के अंदर चारों 4 फ्लेवर इसके अंदर एड हो जाएगा, और जो भी आप फ्लेवर दबाएंगे उसका प्रोडक्ट बनके मशीन में से निकलने वाला है। दोस्तों, एक कप बनाने का खर्चा 1 से 1.5 रुपए में गिरने वाला है, कम से कम 8 या 10 रुपए में इसको बाजार में बेच सकते हैं। मशीन को हम पूरी ऑपरेट करके, पूरी चला के ऑपरेट करके बताएंगे आपको। आ गया है, खुल गया है, हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमने टेबल के ऊपर, काउंटर के ऊपर लगा दिया। दोस्तों, आप देख सकते हो बेहतरीन क्वालिटी का मशीन, जूम करके बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्वालिटी और फंक्शन दिखाइए, किस तरह का मशीन है, पास से दिखाइए पूरा, देखिए कितना बेहतरीन लुक मशीन है। कोई भी काउंटर या टेबल पे आपको इसको रख देना है। दोस्तों, आप देखिए इसका साइड लुक बताइए, ये पूरा साइड लुक इसका बेहतरीन क्वालिटी का, छोटी सी जगह पे आप इसको रख सकते हो आसानी से। यह मशीन है दोस्तों चाय और कॉफी, प्रोफेशनल चाय कॉफी की मशीन है दोस्तों। लेकिन यह मशीन के अंदर से 4 अलग-अलग प्रोडक्ट्स निकलने वाले, जैसे कि चाय निकलने वाली है, कॉफी निकलने वाली है, टमाटो सूप निकलना है, मंचाओ सूप है, ग्रीन टी, लेमन टी, ऐसे 7 से 8 अलग-अलग तरह का फ्लेवर है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट आप इसके अंदर लगा सकते हो। चाय और कॉफी तो कॉमन प्रोडक्ट है, 2 अलग प्रोडक्ट में आपको टमाटो सूप, मंचाओ सूप, ग्रीन टी, लेमन टी, ऐसा डिफरेंट वेरायटी का प्रोडक्ट देना है तो भी आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर से जो कप के निकलने वाले दोस्तों, वो 1 से 1.5 रुपए का प्रोसेसिंग लेंडिंग आएगा, बाजार में कम से कम 5, 7 या 10 रुपए में बेच सकते हो। मिनिमम में बेचना है तो 5 में बेच सकते हो, मैक्सिमम जाना है तो 10 रुपए में भी इसको बेच सकते हो। अभी मशीन हमने पूरी ओपन कर दी, हम आपको पूरी मशीन को ऑपरेट करना बताएंगे, कैसे इसको चलाना है। मशीन हमने खोल दी है, उसके साथ इसका रॉ मटेरियल है हमारे पास, आप देखिए ये रॉ मटेरियल है जो मशीन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री, आप जब मशीन लेंगे तो एक एक पैकेट सैंपल्स के रॉ मटेरियल्स मिलेंगे। उसके बाद इसका डिसोल्व जाली निकला हुआ है, जहाँ पे नीचे जो ड्रेनेज ट्रे है यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। हम इसको खोल के लगा दे रहे हैं आपके सामने, आप देखिए इसका डिसोल्व ट्रे है, इसको ऐसे हमारे को लगा देना है यहाँ पे। इसमें जो वेस्टेज और लाइन रहेगा, जो पानी इसका ट्रे और जाली है जिसमें वेस्टेज या कुछ भी गिरेगा तो इसके अंदर भर जाएगा, आपका कोई दुकान या शॉप खराब नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह से आपको ऐसे लगा देना है इसको, आप देखिए इस तरह से इसको फिट अप कर देना है। ये पूरा फिट हो चुका है प्रॉपरली। अभी यहाँ पे कप रखने के लिए जगह भी आएंगे, आप देखिए इस तरह से कप, पेपर कप है, प्लास्टिक कप है, जो भी आप कप रखेंगे इस तरह से आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इसका जो मेन की है, इसका प्लग है, आप देखिए चाबी है ना, आप देखिए इसका एक की निकलेगा, इस तरह का की है और इस तरह का केबल है। की को अभी हम साइड में लगा देते हैं और उसका केबल जो रहते हैं, केबल हम मशीन के अंदर फिट अप कर देते हैं, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस तरह का लगा दिया केबल, अब मशीन का हम पावर प्लग इन कर देंगे। टोटली आधुनिक और एडवांस फंक्शन वाली मशीन है दोस्तों। आधा कप निकलना है, पूरा कप निकलना है, पूरा दिन में कितना क्वांटिटी निकला हुआ है, पानी कम हो गया तो पानी का एरर आ जाएगा, हीटिंग लेवल बढ़ाना है, नॉर्मल हीटिंग ओके, अगर आपको बढ़ाना है या हीटिंग लेवल कम करना है, बहुत ज़्यादा गर्म चाय देनी है या कम चाय देनी है, गर्म सूप देना है या कम गर्म सूप देना है, डिजिटली आप टोटली डिस्प्ले में से सेट कर सकते हैं। अभी हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से मशीन को प्लग स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले स्टार्ट हो चुका है। जूम करके बताइए,
अब डिस्प्ले में देख सकते हो अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला, इसके अंदर लो वाटर का एरर आ रहा है, पानी नहीं है इसके लिए, लो वाटर है। अभी हम इसका पानी का जो बाउल है हम इसके अंदर फिलअप करेंगे। अब देखिए वाटर का बाउल है, हम इसको मशीन के ऊपर लगा देंगे। अब देखिए पानी का बाउल हमने इसमें उल्टा कर दिया है, अभी ये पानी प्रॉपरली फिल हो जाएगा, एरर बंद हो जाएगा और इसका हीटिंग लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। जो गर्म होना चाहिए चाय का जो पानी जो रहता है वो हीट होना चाहिए, वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। अभी हमारे पास इसमें फ्लेवर्स जो पड़े हुए हैं, इसके फ्लेवर्स को ओपन करेंगे। आप देखिए ये फ्लेवर्स है हमारे पास, इसमें एक आधा फ्लेवर्स है, टी प्रीमिक्स है, चाय का प्रीमिक्स है और एक कॉफी प्रीमिक्स है। आप देखिए ये सैंपल फ्लेवर है, 250 ग्राम का पैकेट है जो सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। ये कॉफी का प्रीमिक्स है, इसका एक किलो का पैकेट आता है, 1 किलो कैपी कॉफी 300 से 350 रुपए का पैकेट आएगा एक किलो का। चाय का लेके 300 से 350 रुपए का पैकेट एक किलो का आएगा। ये आपको एक किलो के अंदर तकरीबन 300 कप बना के देगी, 300 कप चाय का, 80 से 90 ml का जो चाय बनाती है वो 300 कप बना के मशीन देगी दोस्तों। अभी हम इसको फिलअप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर चला गया है पानी आने का, देखिए क्योंकि हमने ऑलरेडी वाटर डाल दिया है, यहाँ पे एरर चला गया और हीटिंग चालू हो रहा है। देखिए ये गर्म होना चालू हो गया है, 32 सेल्सियस हीटिंग है अभी पानी, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए 33 हो गया, देखिए 34 हो गया, हीटिंग होना चालू हो गया 35। अभी हमने इसको 75 का हीटिंग लेवल रखा है, इसलिए 75 पे आके ऑटोमेटिक हीटिंग इसका बंद हो जाएगा। आपको अगर 80 रखना है, 85 रखना है, 90 रखना है, 95 रखना है तो भी आप डिजिटल डिस्प्ले में से सेट कर सकते हैं। अभी हम मशीन को ओपन करने के लिए, इसको फिलअप करने के लिए इसका की है वो लेंगे। आप देखिए हमारे पास की पड़ा हुआ है, ये की को ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करने से पूरा डोर ओपन हो जाएगा। आप देखिए ये पूरा डोर ओपन हो चुका है, इसके अंदर चार अलग अलग टैंक दिए गए, एक टैंक, दो टैंक, थ्री टैंक, फोर टैंक। इसके अंदर एक स्टिकरिंग का पेस भी दिया गया है, ये सब इसके स्टिकरिंग के हेड है। देखिए जो भी आप फ्लेवर यूज कर रहे हो, जो भी आप फ्लेवर्स बना रहे हो, आप देखिए ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल आपको टी बनाना है, चाय बनाना है तो इसका आगे का हेड है, यहाँ पे आपको उसको लगा देना हेड पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल बेवरेज वन में आपको अगर चाय निकालना है इसमें से, तो आपको ये टी का बटन निकाल के, ये स्टिकरिंग रहता है, ये आपको स्टिकर निकाल के इसको यहाँ पे चाय लगा देना है। अब देखिए ये हमने टी लगा दी है यहाँ पे, इसलिए आपको आइडिया जाएगा कि वन नंबर बेवरेज वन है वहाँ पे क्या है। इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं लगाना है आपको तो नीचे भी हमने स्पेस दिया गया है, यहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो। अब देखिए अगर बार बार फ्लेवर घुमाना है आपको तो ये टी हो गया, यहाँ पे कॉफी होगी, यहाँ पे सूप होगी, यहाँ पे दूसरा कोई भी फ्लेवर हो गया, जो भी आपको फ्लेवर लगाना है इस तरह से लगा सकते हैं। मशीन के अंदर फिलअप करेंगे हमारा फ्लेवर, जो भी फ्लेवर हम डाल रहे हैं यहाँ पे फ्लेवर्स फिलअप करेंगे। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन भी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो यहाँ पे पूरा स्टिकरिंग दिया गया है कि कैसे फ्लेवर फिलअप करना है, कैसे मशीन को वॉश करना है, कैसे क्लीनिंग करना है, टोटल इंट्रोडक्शन का स्टिकरिंग भी यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद हम सबसे पहले बेवरेज वन को लेंगे, आप देख सकते हैं बेवरेज वन को हमने ले लिया है, उसको ढक्कन खोलेंगे इसका बॉक्स को। अब देखिए उसके बाद इसका एक एल्बो रहता है, एल्बो निकाल लेना है आपको, एल्बो को यहाँ पे सीलिंग रहता है, सीलिंग खोल के एल्बो लगा देना है, जब आपको फ्लेवर को सर्विंग करना है तब इसको इस तरह से लगा देना है इसको। अब देखिए अभी हम इसको लॉक रखेंगे और इसमें थोड़ा कॉफी का फ्लेवर भर लेंगे। सबसे पहले मैम टी का फ्लेवर भरेंगे, हमारे पास चाय का फ्लेवर पड़ा है, भरेंगे इसमें। अब देखिए बाउल में हम थोड़ा ही 250 ग्राम पैकेट है हमारे पास, उसमें से थोड़ा क्वांटिटी डालेंगे पाउडर। चाय का फ्लेवर डाल दिया हमने इसमें, उसके बाद इसके एल्बोस को यहाँ पे लगा देंगे इस तरह पे, बेवरेज वन में लगाने के बाद यहाँ पे एल्बो लगा देंगे इसका। इसको ढक्कन को वापस फिटअप कर देंगे, ढक देंगे हमें इसको वापस जैसा था वो पोजीशन में फिटअप कर देंगे, और इसका जो एल्बो रहता है वो नीचे आना चाहिए। अब देखिए एल्बो में से लाइन में से फ्लेवर सीधा नीचे चला जाएगा, उसी तरह हम इसमें से लगाएंगे कॉफ़ी, एक बाउल में लगा देंगे कॉफ़ी का फ्लेवर, दूसरा हमारे पास पड़ा है कॉफ़ी प्रीमिक्स, इसको लगा देंगे।
एल्बो निकाल लिया, उसके बाद ये बोल्ट को खोल लेंगे यहाँ से। अब देखिए लॉक को, इसका एल्बो फिट अप कर देंगे यहाँ पे। इसमें ना आपको शक्कर मिलाना है, ना फ्लेवर मिलना है, ना शुगर मिलाना है, कोई भी चीज आपको इसमें मिलाना नहीं है। टोटली खाली पाउडर डालना है और पानी का बोतल डालना है, दो ही चीज इसके अंदर आपको यूज करना है। इस तरह से इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, रेडी हो चुका है। उसके बाद अब इसका जो बॉक्स है पूरा बंद कर देंगे, पूरा कम्प्लीटली फ्लेवर का काम पूरा हो चुका है। अभी अब दूसरा कोई दो फ्लेवर ऐड करना है तो अपने हिसाब से ग्रीन टी, लेमन टी, टमाटो सूप का पाउडर आता है, मंचाव सूप का पाउडर आता है, लेमन कोरिएंडर सूप का पाउडर आता है, तो हर तरह का पाउडर रेडीमेड मिलता है। तो आप कोई भी चारों चार में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हैं। बंद हो गया, इसके बाद ये लॉक करके रख देना है, इसलिए कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई भी बढ़ा नहीं सकता है, कम नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके पास की पड़ा है वो उसको मैनेजमेंट कर सकता है। अभी हमारा यहाँ पे मटेरियल रेडी है, आप देख सकते हैं 89 सेल्सियस डिग्री आ चुका है। बताइए 89 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर हीटिंग है, अभी इसके अंदर माल बन के तैयार है। अभी हम इसके अंदर से मटेरियल निकाल, 4 नंबर में आप दबाएंगे तो ओनली हॉट वाटर ही निकलेगा इसमें से। आप देखिए बटन दबाया 3 नंबर का हमने, गर्म पानी निकल रहा है इसमें से। आप देखिए हॉट वाटर आ रहा है अभी इसमें से, क्योंकि 3 और 4 में हमने कुछ भी डाला नहीं है, इसके हिसाब से इसमें हॉट वाटर ही आएगा इसमें। थोड़ा टेस्टिंग के लिए हम इसमें मटेरियल निकालेंगे, थोड़ा 1 नंबर टी दबाएंगे। देखिए कंप्लीट एक एक फर्स्ट कप में आना चालू हो गया दोस्तों। देखिए नंबर 2, टेस्टिंग के लिए हमने 1-1 कप पहले निकाल लिया उसके अंदर से। अब देखिए अभी हम प्रोफेशनली वर्किंग के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें से चाय का कप निकालेंगे। आप देखिए कितना क्वांटिटी से चाय का कप निकल रहा है इसमें से। आप देखिए अब देखिए पूरा कप भर के रेडी हो चुका है दोस्तों। ये बड़ा कप है, ये कप बनाने का खर्चा आपको 2.20 रुपए का पड़ेगा। छोटा कप आप बनेंगे तो एक कप बनाने का खर्चा 1.50 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि कप का कीमत महंगा रहता है मटेरियल से दोस्तों। उसी तरह से आपको इसमें से हाफ कप निकालना है, अगर छोटा कप निकालना है तो यहाँ से डिस्प्ले में सेटिंग दिया गया है दोस्तों। आप देखिए ये कप हमने चाय का निकाल लिया इसमें से, उसके बाद आपको हाफ कप निकालना है, चाय का आधा कप ही निकालना है तो यहाँ पे आपको एक बार बटन दबा देना है, हाफ कप का बटन दबा देना है। अभी इसमें से हाफ कप निकलेंगे इसमें। अब देखिए दो सेटिंग रहता है, हाफ कप एंड फुल कप। या देखिए हाफ कप निकल के बंद हो चुका है ऑटोमेटिक। निकाली है बेहतरीन क्वालिटी की मसाला टी, मसाला चाय निकाली है इसके अंदर से। अब देखिए इसके ऊपर पे जो झाग आता है वो देखिए, जूम करके बताइए कितना बेहतरीन प्रोफेशनल चाय निकला है दोस्तों। बड़े बड़े मॉल है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट में है, जहाँ पे जो मशीनें लगी रहती है उस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का प्रोफेशनल फ्लेवर निकला है। उसी तरह हम इसमें से कॉफी निकालेंगे। अब देखिए नंबर 2 फुल कप आएगा अभी, क्योंकि हाफ कप का हमने ऑप्शन नहीं दिया, इसके अंदर से फुल कप निकल के आ रहा है। देखिए ये फुल कप हो चुका है पूरा। आप देखिए इसका झाग देखिए, उसके ऊपर बबल देखिए, कितना बेहतरीन कॉफी आ रहा है इसमें। आप देखिए उसी तरह से आपको इसमें अगर हाफ कप निकालना है कॉफी का, तो हाफ कप भी आपको निकाल के दिखाएंगे इसमें से। अभी हाफ कप के लिए ऑप्शन दबाएंगे, हाफ कप के लिए ऑप्शन दबा दिया हमने। अब देखिए आधा कप ही भर के निकला है इसके अंदर, पहले फुल कप निकला था अभी आधा कप, दोनों का क्वांटिटी मैच करिए एक बार। आप देखिए पूरा दिन में कितना आपने बिक्री किया, अगर आपने इसको मशीन लगा के आदमी को रख दिया तो पूरा दिन में कितना कौन सा फ्लेवर सेल हुआ है। डिजिटल डिस्प्ले बताएगी क्वालिटी को, लाइट और डार्क करना है आपको। इसको ऐसा लगता है पी के थोड़ा डार्क है क्वालिटी, थोड़ा और थिक करना है, झाड़ा करना है इसको, और कई बार ऐसा लगता है पी के थोड़ा थिक क्वालिटी है, थोड़ा पतला करना है, तो आप डिजिटली डिस्प्ले में से क्वांटिटी सेट कर सकते हो कि कितना परसेंट आपको इसमें पाउडर ऐड करना है और कितना परसेंट आपको इसमें वाटर ऐड करना है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टोटली चीज को मेजर कर सकते हो। ये आप देख सकते हो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोफेशनल कॉफी मिलता है, जैसा बाजार में, मॉल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, जहाँ पे
अच्छे अच्छे मॉल में प्रोफेशनल बिना हाथ लगाए बिना टच किए जो तपेली में बनाते कॉफी उससे ये प्रोफेशनल है। बिना हाथ टच करे आप प्रोफेशनल कॉफी बना के मशीन के अंदर से निकाल सकते हैं। मशीन की हमने प्राइस की बात करी थी दोस्तों, वीडियो के अंत में बताएंगे तो मशीन की कीमत है 23,900 रुपीस कीमत है मशीन की। आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 4 फ्लेवर की मशीन 21,000 में दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।